अगली और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। रामबन जिले में कल से बारिश हो रही है, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। जिले में ज्यादातर जगहों पर पत्थरों के गिरने की वजह से NH 44 पर गाड़ियों की आमदरफ्त बंद कर दी गई है। ठाठरी में भी लगातार बारिश हो रही है। बनिहाल में भी पत्थर के गिरने की वजह से सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त रोक दी गई है। अक्वामे मुत्तहिदा में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को फिर से करारा जवाब दिया। मुस्तकिल मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि कोई भी मुल्क कितनी भी गलत इतलात, बयानबाजी और तशहीर के जरिए इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने अक्वामे मुत्तहिदा में असलहात पर भी अपनी बात रखी। The union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. No amount of misinformation, rhetoric, or propaganda from any country can change that fact. तो नाजरीन आपको बताते कि फिर से पाकिस्तान को हिंदुस्तान की जानिब से एक करारा जवाब मिला है। मुस्तकिल मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, था और हमेशा रहेगा। इसमें कोई भी फेरोबदल नहीं हो सकता। उन्होंने मजीद कहा कि कोई भी मुल्क कितनी भी गलत इतलात या बयानबाजी करे, उसे हकीकत को कोई भी इनकार नहीं कर सकता, उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हकीकत यही है कि यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का एक अंग है, एक अटूट हिस्सा है, एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, कोई भी नकार नहीं सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क कितनी भी गलत इतलात दे, लेकिन इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमसे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हर बार पाकिस्तान को हिंदुस्तान एक करारा जवाब देता है और आज भी उसी सूरत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ताल्लुक से फिर से एक बार जवाब दिया गया है। बिल्कुल इंशा, हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक यूएन में प्लेनरी चल रहा था यूएनजीए का, और उसमें यूज ऑफ वीटो के ऊपर चर्चा हो रही थी। हालांकि ये प्लेटफॉर्म पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती रहती है, लेकिन इस मंच का एक बार फिर से पाकिस्तान ने गलत इस्तेमाल करते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया है। हालांकि उसके बाद हमने देखा है कि भारत ने इस पर करारा जवाब दिया है। भारत के जो काउंसलर है परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू यूएन के प्रतीक माथुर, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दोनों यूनियन टेरिटरीज भारत का अभिन्न अंग है, और ऐसे में कितना भी आप गलत जानकारी फैलाएं, प्रोपेगेंडा फैलाएं, इससे सच्चाई नहीं बदल जाती। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार भारत ये बात दोहरा चुका है, क्योंकि हर बार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस मंच से बायलेटरल इश्यूज उठाने की कोशिश करता है, प्लेटफॉर्म को मिसयूज करने की कोशिश करता है। आपको यह भी याद दिला दें कि अगले महीने ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी भारत आने वाले हैं। हालांकि उन्होंने इस दौरे से पहले साफ कर दिया था कि इस मंच से वो कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाएंगे, लेकिन लगातार पाकिस्तान जो है वो अलग अलग मंच के जरिए इस प्रोपेगेंडा को जारी रखना चाहता है, लेकिन भारत लगातार पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दे रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर बार पाकिस्तान का यही कहना होता है कि नहीं, हम कोई भी कश्मीर को लेकर या जम्मू कश्मीर पूरी यूटी को लेकर कोई भी राग अलापा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वक्तन फवक्तन हमेशा वो यूएन प्लेटफॉर्म का जो गलत इस्तेमाल करते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन क्या कुछ तवक्कु की जा सकती है कि आने वाले दिनों में, आने वाले पलों में किस तरह से ये पूरा जो मिजाज है ये बदलता हुआ हमें दिखाई देगा? ये पाकिस्तान का रवैया नहीं बदलेगा, ये तो क्लियर है इस बात से, क्योंकि पाकिस्तान हर बार इशू कोई भी हो, किसी भी इशू पर अगर डिबेट हो रही हो, उसमें कश्मीर का मुद्दा वो जरूर रेज करता है। हालांकि हमने देखा है कि पाकिस्तान लगातार विफल हुआ है, फेलियर हाथ लगा है पाकिस्तान के, क्योंकि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि इस मुद्दे पर दुनिया में कोई भी मुल्क उनके साथ में खड़ा नहीं है, क्योंकि
पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर में जिस तरह के आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा पाकिस्तान देता रहा, ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से आतंकवाद को एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये महज एक प्रोपेगेंडा ही है। तो लेकिन इस हर प्रोपेगेंडा का जवाब भी भारत देने को तैयार है, और भारत ये बात साफ कर चुका है कि जो बायलैटरल इश्यूज है उनको बायलैटरली ही डिस्कस किया जाना चाहिए। भारत इसके लिए तैयार भी है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि सही माहौल पैदा करने के लिए पाकिस्तान को ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि वो आतंकवाद जैसे इश्यू से पहले निपटे, उसके बाद वो बातचीत की बात करें। बिल्कुल शैलेंद्र, और जिस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो भी जीरो पर आई है, और साथ ही में कोई भी अब मुल्क उन्हें साथ देने के लिए, उनकी तमाम मुश्किलात को दूर करने के लिए किसी का भी हाथ जो है वो आगे बढ़ाने के लिए नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में क्या कहा जाए कि अब पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो चुका है? देखिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक वो लगातार उनको कहा जाता है कि इस मुद्दे को लगातार हर मंच पे वो उठाए, क्योंकि जिस मंच पे वो शामिल नहीं भी होता है, जैसे कि हमने देखा था पिछले साल जब भारत यूएनएससी में प्रेसिडेंट या चेयर था, उस वक्त एक ओपन डिबेट थी और बिना बुलाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो उसमें पहुंच के उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया। तो जाहिर तौर पर ये ऐसी हरकत रहती है पाकिस्तान की कि वो हर बार ऐसे मंच के जरिए जहां भी उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलने का मौका मिलता है वहां पर वो कश्मीर का मुद्दा उठाता है, लेकिन पूरी दुनिया ही जान चुकी है कि ये महज एक प्रोपेगेंडा है, और इस प्रोपेगेंडा का जवाब हर बार भारत इसी तरीके से देता है। और जो जो हम देख रहे हैं कि जो G20 में अभी जो G20 की जो मीटिंग अभी चल रही है लद्दाख में, और अगले महीने कश्मीर में होने वाली है G20 की मीटिंग टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की, तो जाहिर तौर से इन डेवलपमेंट से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि इस तरह की जो मीटिंग्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो मीटिंग्स हो रही है वो कई दशकों बाद कश्मीर में हो रही है, लद्दाख में हो रही है, तो जाहिर तौर पर इस तरह की जो प्रगति है, डेवलपमेंट है, वो पाकिस्तान की गले नहीं उतर रही है। इसीलिए बार बार इस मुद्दे को उठाता है, और जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि वो ऐसी मीटिंग्स से वो परेशान है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच की जो मीटिंग्स है वहां पर हो रही है, जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं वो भी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले, लद्दाख में पहले से ही आज दूसरा दिन है, पहले से ही वहां पर डेलीगेट्स मौजूद हैं, तो इन डेवलपमेंट से पाकिस्तान बौखलाया हुआ। इसी तरह की तो चलिए, बेहद शुक्रिया शैलेंद्र वांगू तमाम तफसीलात फराहम करने।